बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ। आज रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से वर्चुअली रूप से जुड़े और उन्होंने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन से सबसे ज्यादा रीवा की महिलाएं खुश नजर आईं, क्योंकि उनका कहना है कि अब से पहले हमने केवल टीवी और मोबाइल के माध्यम से हवाई जहाज देखे थे और कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी उड़ान भर सकें, लेकिन रीवा के एयरपोर्ट के उद्घाटन हो जाने से अब हमारे सपने पूरे हो सके। ये खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट और हवाई यात्रा का जो खर्च वो हमारे बजट के हिसाब से केवल 1,000 रुपए किराया इसका है, जिससे हम अपने सपने को पूरा कर सकें। मंत्री और नेता उपस्थित रहे, साथ ही आमजन को भी अंदर एंट्री दी गई थी ताकि वो अपनी आंखों से रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन में साक्षी बन सके। इस उद्घाटन से सबसे ज्यादा खुश रीवा की महिलाएं नजर आईं। देखिए, महिलाओं को जहाँ तक है फायदा की, तो पहले तो महिलाएं प्लेन देखी नहीं थी, दूसरे देशों में देखती थी, दूसरे जिलों में देखती थी, तो उनको लगता था कि प्लेन में कैसे हवाई जहाज में चढ़ेंगी। सबसे ज्यादा उनको प्रशंसा ये है कि अपने ही जिले में प्लेन देखी है, उनने उनको सौगात मिला है, इससे उन लोग बहुत खुश है। और सबसे ज्यादा ये कि 1,000 के बजट में हुए प्लेन से उड़ सकती है, जा सकती है, अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, वो भी उड़ान भर सकती है। सरिता सिंह पटेल। रीवा वालों के लिए बहुत ही उत्साह का दिन है और हम सब रीवा की महिलाएं तो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी कि उड़ान योजना, जिसके अंतर्गत उड़ेगा देश का आम नागरिक, उस योजना के अंतर्गत आज रीवा में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। और हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बजट के अंदर का इसका जो भी फेयर है वो रहेगा, इसलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। सातर ग्रहणियां बहुत ही खुश है, उनके बजट के अंदर रहेगा और हवाई सुविधाएं भी, अगर रोजगार लगाने के अवसर प्राप्त होंगे नए नए, जो इन महिलाओं के अंदर प्रतिभा है और अभी तक इस प्रकार के अवसर नहीं प्राप्त होते थे, जो घर के अंदर ही थी, लेकिन घर के अंदर रह करके काम कर रही थी छोटे मोटे, वो आगे आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और रीवा में बड़े बड़े रोजगार लगाएंगी यह महिलाओं के लिए। मनीषा पाठक। आज रीवा के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस इतिहास के साक्षी, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हम लोग बने हैं। खत्म हुआ कि हमारे यहाँ हमारी बहनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे युवा भाइयों के लिए ये पल बहुत ही ऐतिहासिक, ऐसी स्थिति आती है कि बच्चे कभी कभी परीक्षा देने जाना होता है दिल्ली, अचानक से वो रिजर्वेशन नहीं मिला है या कुछ जल्दी पहुंचना हुआ अर्जेंट में, वो वहां पर जल्दी पहुंच सकते हैं किसी भी स्थान पर, दिल्ली में हुआ या बॉम्बे हुआ या हैदराबाद हुआ, ऐसी जगहों में वो आसानी से पहुँच सकते हैं। और तक मेरा नाम है अंजू मिश्रा। हम लोग को तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि अभी तक ऐसी सुविधा हमारे यहाँ आसपास कहीं नहीं थी। शमा सिद्दीकी।